भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है उसके लिए हमने मैंने सोशल मीडिया पे एक प्रोग्राम के लिए डाला था जिसमें हम गन पार्क पे जो है धरना कर रहे थे सेव इंडिया सेव डेमोक्रेसी और कश्मीर के लिए, जिसमें हमारा मुद्दा था जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं कश्मीर में जिनको आप होम अरेस्ट कर रहे हैं उनको रिलीज़ कीजिए, मीडिया को आप अलाउ कीजिए कवरेज के लिए, और जो भी कह रहे हैं कि कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज़ वन, तो फिर कश्मीरियों के ऊपर एट्रोसिटीज़ क्यों, वहाँ कर्फ्यू में भी रिलीज़ कीजिए आप, क्योंकि सीधा सीधा डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है कि ऑल एट अ सडन आप आर्टिकल 370 को हटा रहे हैं। इसके लिए मेरे को सैफाबाद पीएस से फ़ोन आया था और मुझे इंस्पेक्टर ने बोला था मेरे से मिलिए आप। मैं जब वहाँ गई, वहाँ इंस्पेक्टर सर और एसीपी सर थे, और उन्होंने मेरे को कहा कि आपको गन पार्क पे परमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक शांति स्थल है, ये शहीदों की जगह है, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको जो है धरना चौक इंदिरा पार्क में आपको परमिशन मिल सकती है, आप कल डीसीपी सर से मिलिए। 29 तारीख को मैं डीसीपी सर से मिली और उन्होंने कहा कि आपका फ़र्ज़ है, आपका राइट है, आपको परमिशन मिल जाएगी, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरे को आप परमिशन दे दीजिए। मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने के बाद मेरे को बोला गया कि आप थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद मेरे को बोला गया कि कल आपको परमिशन मिल जाएगी। 30 तारीख को मॉर्निंग में मेरे को इंस्पेक्टर गांधीनगर का फ़ोन आता है फॉर्मेलिटीज़ पूछने के लिए कि आप कब से धरना कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है, कब क्लोज करेंगे, कितने लोग आ रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है, आपका मोटिव क्या है, उनको भी मैं पूरा समझाई। उसके बाद दूसरे पीएस से फ़ोन आया, उनको भी मैं समझाई। पूरा दिन मेरे को ऐसे करे कि आपको परमिशन मिल रहा है, आपको परमिशन मिल रहा है। फिर मेरे को डीसीपी ऑफिस से फ़ोन आया कि आप जो है चलान भरिए 145 रुपीज़ का, क्योंकि आप माइक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यही बोली तब कि मैं चलान बाद में वो पे करती हूँ, मेरे को परमिशन लेटर मेरे को मिल गई तो उसके बाद पे करती हूँ। मैं अपने इस पे खर्चे पे पूरे बैनर्स का, पोस्टर्स का, और वो वहाँ पे पंडाल लगाने का पूरा इंतज़ाम करी धरना चौक पे। तो रात को अचानक से कह रहे हैं डीसीपी सर, पहले तो बोले एक घंटे में आपको परमिशन मिलेगा, फिर बोले 15 मिनट में, फिर अचानक से बोले आई डोंट थिंक सो कि आपको परमिशन मिलेगा बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, और एकदम से जो है फ़ोन कट कर दिए। उसके बाद मैं उनको फ़ोन करती रही लेकिन मेरा फ़ोन आंसर नहीं करे, मैं कमिश्नर सर के मोबाइल पे फ़ोन करी, फ़ोन आंसर नहीं करे, लैंडलाइन पे करी, पहले मेरे को बोला गया कि सर दूसरे फ़ोन पे बिजी हैं, फिर बोला गया, फिर जब मैं बोली मेरे को उनसे ज़रूरी बात करनी है, इट्स अर्जेंट मैटर, फिर बोला गया कि सर मीटिंग में है। मैंने कहा आप एट अ टाइम एक ही मुँह से दो बातें बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं कि सर दूसरे फ़ोन पे हैं, फिर बोल रहे हैं सर मीटिंग में है, मैं किस बात पे भरोसा करूं? तो बोले आपको इसी बात पे भरोसा करना पड़ेगा, दोनों बातों पे। उसके बाद मैं डीसीपी सर के ऑफिस में फ़ोन करी तो मेरे को ये बोला गया कि आपको परमिशन ग्रांट नहीं हो रही है क्योंकि और भी कई लोग हैं जिन्होंने परमिशन के लिए डाला था, तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हम किसी को परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर जो मेरे को लेटर आई उसमें ये लिखा था कि आगे गणेश है, फिर मुहर्रम है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, इसलिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म कर दी थी, सोशल मीडिया पे डाली थी, स्टेटस पे डाली थी, फेसबुक पे डाली थी कि प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो रहा है, परमिशन नहीं दिए। मॉर्निंग में मेरे को एसबी वालों का फ़ोन आया, इंटेलिजेंस वालों का फ़ोन आया पूछताछ के लिए। मैं सबको बोली मैं घर पे हूँ, एसबी वाले बोले जब आप घर पे हैं आपका प्रोग्राम आज कैंसिल है तो गन पार्क पे क्यों आए हैं लोग? मैंने कहा मुझे नहीं पता, जबकि गन पार्क का तो लोकेशन भी नहीं था, हमारा लोकेशन चेंज होके इंदिरा पार्क हुआ था। उसके बाद अचानक से 5 से 8 पुलिस वाले आए और मेरे को अरेस्ट करके लेके गए, जबकि मैं उनको बोली मेरा क्या कसूर है, सुबह से मेरे को अब तक पुलिस स्टेशन में ही रखे, किसी को मेरे से मिलने नहीं दिए, मेरे फॉलोवर्स आए किसी को मेरे से मिलने नहीं दिए, मीडिया वालों को मिलने नहीं दिए, अब जो है मैं बाहर आके अब मेरे को रिलीज़ करें क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ।
मैं थोड़ा बहुत ज़रा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो रिलीज़ करें, नहीं तो क्या है 5 बजे के बाद रिलीज़ करने वाले थे। हम लोगों को गौर फिक्र करना चाहिए कि हम किसकी हुकूमत के अंदर रह रहे हैं। तानाशाही की हुकूमत है, और आज अगर ये कश्मीर की बारी है कल हमारी बारी होगी, इसलिए सबको जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। शुक्रिया।